हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से मैं आपके सामने आईपीएल का मैच नंबर 8 का एसआरएच वर्सेस एमआई का धमाकेदार प्रेडिक्शन लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। तो आप मेरी वीडियो शुरू से लेकर एंड तक ज़रूर देखिए ताकि आपको पूरा जो है वो समझ में आ सके। तो बिना देरी किए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। तो आज के हम पिच रिपोर्ट की अगर बात करें, यहाँ पर देख सकते हैं मैंने यहाँ पर कुछ लिखा नहीं है अभी, लेकिन मैं अभी आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर पिच है वो बैटिंग के लिए बहुत ही बेहतरीन देखने को मिलेगी, ऐसा पिच रिपोर्ट में अभी इनिशियल पता चला है। ये पहला मैच है इस सीज़न का, लेकिन पिछले सीज़न में यहाँ पर हमें धमाकेदार विकेट्स देखने को मिले थे और इस बार भी 180 to 190 इस पिच पर स्कोर हो सकता है। 170 से 180 आप पकड़ लीजिए, इतना तो होगा ही होगा स्कोर। और यहाँ पर अगर वेदर कंडीशन की बात करें तो एकदम परफेक्ट रहेगा और ये पिच बैटिंग के लिए बहुत ही बढ़िया रहेगा। अब मैं आज सीधा आपको टीम दूंगा, कोई स्टैट्स नहीं बताऊंगा, पिछले मैचों में उन्होंने क्या किया क्या नहीं। मैं आपको एक इंस्टिंक्ट से बताऊंगा, मैंने सब स्टडी कर लिया है, तो उसी पर से मैं आपको एक टीम बताऊंगा जो कि आपके लिए ग्रैंड लीग में और स्मॉल लीग में दोनों में बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस कर सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर प्रोबेबल 11 एसआरएच की बात कर लूँगा। होम टीम है, ये मैच खेला जाएगा हैदराबाद में खेला जाएगा। तो होम टीम की अगर मैं बात करूँ तो आप मयंक अग्रवाल को सीधे सीधे मैं आपको ना बोल रहा हूँ। देखिए, उनका बुमराह के सामने 16 इनिंग में 3 बार वो आउट हो चुके हैं और जो पीयूष चावला के खिलाफ वो 9 बार आउट हो चुके हैं। तो आप मयंक अग्रवाल को आज के मैच के लिए इग्नोर करना, दोनों बॉलर के सामने उनका रिकॉर्ड ख़राब है, लेकिन हो सकता है वो खेल जाए, लेकिन मैं आपको उसे इग्नोर करने का सजेशन दूंगा। अब राहुल त्रिपाठी का देखिए, रिसेंट अगर मैं बात करूँ, राहुल त्रिपाठी भी इस सीज़न में जो डोमेस्टिक सीज़न हुआ उसमें उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया, सिर्फ 19 की औसत से उन्होंने रन की है। पिछले आईपीएल में भी उन्होंने सिर्फ 150 मारी थी। तो अगर आप चाहे तो उन्हें ले सकते हैं, एज ए रिस्क प्लेयर मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ कि आप उन्हें टीम से इग्नोर कीजिए। अब अभिषेक शर्मा को आप चाहे तो अपनी टीम में रह सकते हैं, शायद वो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरे। अगर फर्स्ट बैटिंग होता है उनका तो वो डायरेक्ट टीम में होगी, नहीं तो इम्पैक्ट प्लेयर के तौर पर एज ए ओपनर उतरेगी। वो एक ऑलराउंडर है, उन्हें इम्पैक्ट प्लेयर के यूज़ ना करके अगर प्लेइंग 11 में भी रखा जाए तो भी वो अच्छे साबित हो सकते हैं, क्योंकि वो लेफ्ट आर्म स्पिन बॉलिंग भी करते हैं और हैदराबाद में वो शायद स्पिन बॉलिंग करते हुए भी हमें दिखे और वो इफेक्टिव भी हो सकते हैं, 1-2 विकेट भी उन्हें मिल जाए। तो उन्हें आप मस्ट पिक ज़रूर से पिक कीजिएगा, अभिषेक शर्मा को। अब मैं बात करूँ यहाँ पर एडन मार्करम की, तो एडन मार्करम को आप चाहे तो सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन हेनरी क्लासन क्लासन को आप ज़रूर से पिक कीजिएगा। हेनरी क्लासन एक में एक अच्छा नाम, आपको अभी मार्करम की हम बात नहीं करते, उन्हें मैं छोड़ देता हूँ। हेनरी क्लासन को आप ज़रूर से पिक कर लेना। शार्क में शाहबाज अहमद, तो शाहबाज अहमद एक स्पिन ऑप्शन है, ऑलराउंडर है, बैटिंग उनकी आएगी नहीं, बॉलिंग में हो सकता है उन्हें 2-3 ओवर मिल जाए, हो सकता है 4 भी कर ले, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप शाहबाज को पिक मत कीजिएगा। अब बात करें यहाँ पर देखिए मार्को जेनसन की, यानसन की बात अगर मैं करूँ तो यानसन को अगर आप चाहे तो उन्हें पिक कर सकते हैं और पैट कमिंस भी हमारे, तो ये दो में से किसी एक को पिक कर लेना, दोनों को साथ में लेकर नहीं चलना, दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना। पैट कमिंस एक्सपेंसिव साबित हुए थे पिछले मैच में भी, तो आप यानसन के साथ चले जाना, पैट कमिंस को इग्नोर कर देना इस मैच के लिए। और अब मैं बात करूँ यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार, मयंक मार्कंडे और टी नटराजन, तो ये टफ है बहुत ही, तो इसमें से आप चाहे तो ये दोनों को पिक कर सकते हैं, मार्कंडे और नटराजन को पिक कर सकते हैं। भुवनेश्वर कुमार ने पिछले मैच में विकेट उन्हें नहीं मिला था, अगर आप चाहे तो उन पर रिस्क ले सकते हैं मार्कंडे को ड्रॉप कर कर या फिर नटराजन को ड्रॉप कर कर। तो अभी मैं नटराजन ने पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की थी तो उन्हें तो हम साथ में लेकर चलते हैं, बाकी दोनों में 3 नामों के बाद में हम बाद में सोचेंगे। अब एक बार एमआई के हम स्क्वाड देख लेते हैं, तो एमआई के स्क्वाड में हमें देखिए पहला जो नाम मिलता है रोहित शर्मा का एज अ ओपनर, तो रोहित शर्मा को आप अगर चाहे तो वो पिक कर सकते हैं, वो पहले हैदराबाद में भी खेल चुके हैं, इससे पहले 3 सीजन शायद 2 या 3 सीजन वो हैदराबाद के ग्राउंड में खेल चुके हैं, तो आप उन्हें पिक कर सकते हैं, रोहित शर्मा को आप टीम में लेकर चल सकते हैं। साथ ही में यहाँ पर देखिए ईशान किशन का, वो मैं आपको बाद में बताऊँगा, वो एक रिस्क प्लेयर है। तिलक वर्मा को आप ऑब्वियस उन्हें ज़रूर पिक कीजिए, वो भी शाही सुदर्शन सुदर्शन की तरह ही है, वो आते हैं रुक कर खेलते हैं, ड्रीम इलेवन के लिए वो परफेक्ट टीम के लिए जो है वो एक अच्छा एक जो एसेट हम मानते हैं कि ये चलेगा ही चलेगा और एक अच्छा हमें पॉइंट्स देकर जाते हैं। भले आप उन्हें कैप्टन या वाइस कैप्टन ना बनाए, लेकिन वो एक ड्रीम टीम में आने वाले प्लेयर मैं उन्हें मानता हूँ।
अगर वो ठीक से खेले, अगर आउट हो जाते हैं तो वो अनफॉर्चुनेट है, वरना वो ड्रीम टीम में आते हैं। अब ये निकितन धीर, जो शायद एन धीर कुछ है उनका नाम, तो उन्होंने पिछले मैच में 36 पॉइंट स्कोर किए थे, शायद ड्रीम टीम में भी थे। तो अगर मैं इस बार कहूँ तो आप उन्हें मत पिक कीजिएगा, वो नए प्लेयर है, इस बार इग्नोर करके आप उन्हें चल सकते हैं। अब हार्दिक पांड्या इस मैच में ज़रूर से पिक करना, पिछले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था, लेकिन इस मैच में मैं उन्हें आपको पिक करने की जो है एडवाइस देता हूं, तो आप उन्हें ज़रूर से पिक कर लेना। साथ ही में टीम डेविड हमारे पास एक ऑप्शन है, तो टीम डेविड को आप इग्नोर कीजिएगा एंड लास्ट में आते हैं, और मुलानी को भी इग्नोर कर दीजिएगा, वो दोनों प्लेयर को आप इग्नोर कर कर चल सकते हैं। अब मैं यहाँ बात करूँ पीयूष चावला और कॉटजी, तो आप इन दोनों में से किसी एक को पिक कर लेना, मेरे हिसाब से पीयूष चावला और कॉटजी, और मैं कॉटजी के साथ जाऊँगा। पीयूष चावला हो सकता है कि वो आज हमें इतने शानदार परफॉर्मेंस करते हुए ना दिखे, क्योंकि मयंक अग्रवाल ओपनर आते हैं, उनका रिकॉर्ड मयंक अग्रवाल के खिलाफ शानदार है, लेकिन वो ओपनर आते हैं, और बुमराह के खिलाफ भी उनका रिकॉर्ड ख़राब है, तो हो सकता है बुमराह ही उन्हें आउट करके चले जाए, तो फिर पीयूष चावला मुझे नहीं लगता है कि उतने शानदार हमें फॉर्म में देखने को मिल गए। और माक्रम खास करके स्पिनर्स को जोड़ बहुत ही बेहतरीन खेलते हैं, 2023 में उनका 190 का स्ट्राइक रेट था, और रन शायद 400 to 600+ रन्स थे। तो आप इस स्पिनर को इग्नोर करके चलिए, पीयूष चावला को कॉटजी को पिक कर लीजिए। साथ ही में जसप्रीत बुमराह मस्ट पिक है, एक और नाम मुंबई इंडियंस की स्क्वाड से, तो आप उन्हें ज़रूर से पिक कर सकते हैं। और एल वुड को आप इग्नोर कर सकते हैं, उन्हें आप इग्नोर कर सकते हैं। साथ ही में बैरविश एक अच्छे प्लेयर है, पिछले मैच में उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया था, तो अगर आप चाहें तो इन्हें रख सकते हैं, इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर उतरेंगे। अगर फर्स्ट बैटिंग आती है तो वो जो 11 है फाइनल 11 उसमें ही होंगे, अगर नहीं होते तो इंपैक्ट प्लेयर के तौर पर होंगे। अगर वो चौथे नंबर पर आते हैं तो अच्छा परफॉर्मेंस करके दे सकते हैं, वो मैं आप पर छोड़ रहा हूँ एज अ रिस्क प्लेयर, क्योंकि उनका बैटिंग कहाँ पर आएगा वो अभी फिक्स नहीं है। हो सकता है उन्हें पिछले मैच में चौथे नंबर पर ही शायद भेजा था, तो हो सकता है इस बार छठे पर भी आए, पाँचवें पर भी आए, या चौथे पर भी आए, तो आप उन्हें अपने हिसाब से पिक कर लेना। बर्विस को आपको रखना है या नहीं रखना है वो मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो यहाँ पर देखिए, आपने यहाँ पर चार प्लेयर पिक किए, यहाँ पर मैंने आपको पांच प्लेयर पिक किया, तो आप एज ए रिस्क प्लेयर मैं चाहता हूँ कि आप आज ईशान किशन को पिक ज़रूर कीजिए, वो एक बहुत बड़ा ऑप्शन आज मुझे लगता है कि वो एक जो है सरप्राइज परफॉर्मर आज रहेंगे ईशान किशन, मुझे ऐसा लग रहा है वो सरप्राइज परफॉर्मर रहेंगे। तो ईशान किशन को आप अपनी टीम में ज़रूर से पिक कीजिए, मुझे ऐसा लगता है कि ईशान किशन आज हमें बेहतर परफॉर्मेंस करते हुए दिखे। और अगर आप चाहें तो यहाँ पर देखिए त्रिपाठी को पिक कर सकते हैं, या फिर एडन माकरम को आप पिक कर सकते हैं चाहे तो और अगर आप चाहें तो यहाँ पर भुवनेश्वर कुमार को भी पिक कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ पर बैटिंग विकेट हमें देखने को मिलेंगे, तो यहाँ पर हमें माकरम को पिक करना चाहिए। माकरम को आप पिक कर लीजिएगा, त्रिपाठी को इग्नोर कर दीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 11 कुछ बनता हुआ नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए अभिषेक शर्मा, माकरम, क्लासेन, यानसन और टी नटराजन। साथ ही में रोहित शर्मा को मैंने पिक किया है, ईशान किशन, तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या, कॉटजी और जसप्रीत बुमराह को मैंने पिक किया है, बाकी नामों को मैंने इग्नोर किया। अगर आप चाहें तो डेल ब्रेविस को पिक कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि ईशान किशन आज भी परफॉर्मेंस नहीं करेगा तो उन्हें आप पिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अगर आपको ट्रंप प्लेयर की बात करूँ तो हो सकता है आज यानसन ट्रंप प्लेयर बनकर उभरे, मुझे लगता है कि वो एक बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, यानसन एक अच्छा परफॉर्मेंस कर सकते हैं। साथ ही में हार्दिक पांड्या भी एक ट्रंप प्लेयर साबित हो सकते हैं, पिछले मैच में उन्होंने एक बेहतरीन परफॉर्मेंस नहीं दी थी, जो अपनी कैपेसिटी है उसके हिसाब से इंजरी से अभी फिट होकर आ रहे, तो हार्दिक पांड्या इस बार अच्छा परफॉर्मेंस हमें कर कर दे सकते हैं। ये दोनों आप एज ए ट्रंप प्लेयर मेरी तरफ से है, और बाकी जो क्लासेन है वो तो एक बेहतरीन ऑप्शन है, एक एसेट है, तो उन्हें तो आप ज़रूर से पिक कीजिए, उन्हें मिस मत कीजिएगा। ईशान को भी एज ए रिस्क प्लेयर मैंने पिक किया है, तो उन्हें आप पिक कर लीजिएगा। और ये दोनों मैंने आपको ट्रंप प्लेयर बताए जो कि आज बेहतरीन शानदार परफॉर्मेंस दे सकते हैं। अभी आप कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ किसके साथ जा सकते हैं, तो वो नाम भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ कि एज ए कैप्टन अगर आप चाहें तो हार्दिक पांड्या को आप
एज ए कैप्टन आप पिक कर सकते हैं। साथ ही में आप वाइस कैप्टन के तौर पर आप एक बड़ा रिस्क ले लीजिएगा, ईशान किशन को एज ए वाइस कैप्टन आप पिक कर सकते हैं। साथ ही में जसप्रीत बुमराह एज ए वाइस कैप्टन, सिर्फ एज ए वाइस कैप्टन पिक करना, कैप्टन के तौर पर मत पिक करना। पिछले मैच में उन्होंने ज़्यादा विकेट लिए थे, चलिए इस बार हो सकता है कि दो विकेट मिले, तो वो वाइस कैप्टन के लिए एक अच्छे ऑप्शन साबित हो सकते हैं। साथ ही में क्लासेन को आप कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर पिक कर सकते हैं। ये चार नाम मैंने बताया आपको, उनमें से आप कैप्टन या वाइस कैप्टन किसी एक को पिक कर लेना। रोहित शर्मा को भी एक अच्छा ऑप्शन है, तो उन्हें भी आप कैप्टन या वाइस कैप्टन के तौर पर बन सक जो है अपनी टीम में ले सकते हैं। लेकिन अगर मैं आपको एक जो प्रॉपर अगर मैं आपको नाम बताऊँ, आप हैवी रिस्क जीएल के लिए टीम बनाना चाहते हैं, तो मैं आपको ईशान किशन एज ए कैप्टन और बुमराह एज ए वाइस कैप्टन मैं आपको पिक करने के लिए कहूँगा। ये मेरा जो है जीएल के लिए मेरा ये कैप्टन और वाइस कैप्टन है, तो आप उन्हें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे लगता है कि आज वो बेहतरीन रिजल्ट हमें देंगे। एसएल के लिए तो आप सेफ ऑप्शन क्लासेन और यहाँ पर देखिए बुमराह, फिर भी वो भी एक सेफ ऑप्शन ही है, उन्हें भी लेकर चल सकते हैं। या फिर हार्दिक पांड्या हो गए, या फिर आप चाहे तो यानसेन के साथ भी जा सकते हैं, रोहित शर्मा के साथ भी जा सकते हैं। लेकिन ये जीएल का जो मैंने आपको एक दिया है जो कैप्टन और वाइस कैप्टन, उन्हें आप ज़रूर पिक कीजिएगा। और ये कॉम्बिनेशन मैंने आपको बना के दिया, उसमें अगर आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये प्लेयर चेंज करना चाहिए तो आप अपने हिसाब से चेंज कर लेना। बाकी कैसा लगा मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों का शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो वहाँ जाकर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि जो टॉस होने के बाद अपडेट है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ। मिलता हूँ अगली फैंटेसी प्रेडिक्शन के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।